नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो आज जैसा कि हमने फैक्टोनिकल की पहली वीडियो में जाना कि हम इंसान यानी होमोसेपियंस किस तरह धरती पर अस्तित्व में आए थे और किस तरह हम दूसरी सारी जानवरों की प्रजाति से इतने कमज़ोर हुआ करते थे, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ थी हम होमोसेपियंस में जो इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी आज हम इंसान इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्रजाति बन चुके हैं। तो अगर आपने भी इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो पहले जाइए और उसे देख कर आइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल, तो चलिए आरम्भ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 25 लाख साल पहले जब अफ्रीका के बिहाड़ों में इंसानों की पहली प्रजाति ने जन्म लिया तो उस वक्त ना उनके पास हथियार हुआ करते थे और ना ही दूसरे जानवर की तरह उनके पास ताकत हुआ करती थी, ना ही शेर की तरह लंबे लंबे दांत और ना ही पक्षियों की तरह उड़ने के लिए पंख, जिसका नतीजा ये होता था कि हम इंसान दूसरे जानवरों का खाना बन जाया करते थे। जी हाँ, वो हमें मार दिया करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं। और क्या आपको पता है हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमें इतनी ताकतवर बनाती है? तो शायद उसका जवाब जान के आप हंस पड़ोगे। जी हाँ, आपको हंसी आने लगेगी। तो इंसानों की वो ताकत है गप्पेबाजी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, गप्पेबाजी, जो आप हम रोज़ किया करते हैं, जो हर गली में बूढ़ी दादियाँ शाम में बैठकर किया करती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि गप्पे मारने में ऐसी क्या खासियत है जो हमें इतने सालों से दूसरे जानवरों से बचाती हुई आ रही है, जिसने हमें इतने सालों से जिंदा रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गप्पे मारना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। तो गप्पे लड़ाना या बातें करना बस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान खुद के दिमाग के द्वारा सोची हुई चीज़ को दूसरों के सामने डिलीवर कर सकता है, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो अब शायद आप सोच रहे होंगे कि बातें करने की कला ने हमें इन बड़े बड़े जानवरों से कैसे बचाया। तो कुछ सालों पहले साइंटिस्ट के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार हमें ये पता चला है कि चिंपैंजीज जो है वो भी अपने आस पास खतरा महसूस करने पर एक स्पेसिफिक टाइप की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन वो इस तरह की आवाज़ें निकाल कर दूसरे चिंपैंजीज को बस इतना बता सकते हैं कि खतरा आसमान पर है या ज़मीन पर। उसी तरह पक्षियाँ भी खतरा महसूस करने पर आवाज़ें निकालती हैं, लेकिन वो चिंपैंजीज की तरह ये नहीं बता सकती कि खतरा कहाँ से है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में अगर कोई जंगल में गोलियां चलाता है तो वहाँ कई किलोमीटर दूर तक पक्षियाँ उड़ने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि खतरा है कहाँ से। लेकिन अगर उसी जगह में इंसानों की बात करें तो वो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि खतरा कौन है, खतरा कहाँ से आया है, खतरा कितना बड़ा है, जिसके वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गप्पे मारने की कला ने हमें ग्रुप्स में रहना सिखाया, एक दूसरे का सहारा बनना सिखाया। जैसा कि आप जानते हैं, आप एक तिनके को बड़े ही आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तिनकों को एक साथ तोड़ना आपके लिए शायद मुश्किल या नामुमकिन सा हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी हमारे हिंदुस्तान को होमोसेपियंस की तरह अटूट और ताकतवर बनाना है तो हमें भी मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तो हमारी आज की वीडियो से अगर आप भी गप्पे लड़ाने सीख चुके हैं तो जाइए फैक्टोनिकल के बारे में अपने परिवार वालों को और दोस्तों को ज़रूर बताइए, जहाँ आपको मिलेंगी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मज़ेदार फैक्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं फैक्टोनिकल की अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।